है और यह फील्ड जो है हमें चिकित्सक कभी पूर्ण नहीं होता है, हमेशा कुछ सीखना है, हमेशा कुछ सीखना है। चिकित्सा नास्ते निष्फल कहा ही गया है और इसी क्रम में किसी भी उम्र में ये है जो कितना भी बूढ़े हो जाइए आपको मरने के दिन तक कुछ सीखना ही है। तो इसी क्रम में जो भी है कि हम लोग एकेडमिक जुड़े रहते हैं हमेशा नई नई चीज़ों को अपने मरीजों को स्थापित हुआ था अमेरिका में। ये एक पल्मोनोलॉजी और साथ साथ है आपको स्लीप मेडिसिन या क्रिटिकल केयर जो आप कोरोना काल में समझ सकते हैं चेस्ट का कितना वैल्यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार आप देख रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है और शोध करने वाले जो शोधार्थी हैं या रिसर्च के जो विद्यार्थी हैं अलग अलग क्षेत्रों में शोध करके या जो है धरातल पर लाने की कोशिश करते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह के कार्य करने से रिसर्च जो है मुकम्मल होगा। आइए, ऐसा ही एक जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है सिवान के नाम और सिवान के लाल ने इस क्षेत्र में अपना जो है परचम लहराया है। क्योंकि बिहार के सिवान जिला में डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र प्रैक्टिस करते हैं और आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा नाम है और चिकित्सा जगत में डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र को कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। लेकिन बात करें अमेरिकन एकेडमी ऑफ चेस्ट फिजिशियन का तो वहाँ की एक बहुत बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्था ने इन्हें सम्मानित करने का सौभाग्य दिया है और सिवान के एक ऐसे इकलौते डॉक्टर हैं जो कि चेस्ट के क्षेत्र में अमेरिका की संस्था ने इन्हें सम्मानित किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र जी को इस सफलता के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि इसी तरह से सिवान का नाम जो है रोशन करें और विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा इस तरह का कामना। आपको किस क्षेत्र में आपको ये सौभाग्य मिला है इसकी चर्चा जोर शोर से चल रही है। नमस्कार, सबसे 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 पहले तो आपके सभी दर्शक को प्राइम न्यूज इंडिया के सर मेरा तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है और जितने भी श्रोता हैं उनको मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो है चिकित्सा क्षेत्र जो एक बहुत बड़ा समुंदर है और चिकित्सक जो होता है हमेशा अपनी विद्या को बढ़ाने में लगा रहता है और यह फील्ड जो है हमें चिकित्सक कभी पूर्ण नहीं होता है, हमेशा कुछ सीखना है, हमेशा कुछ सीखना है। चिकित्सा नास्ते निष्फल कहा ही गया है और इसी क्रम में किसी भी उम्र में ये कैसा यही एक फैकल्टी है जो कितना भी बूढ़े हो जाइए आपको मरने के दिन तक कुछ सीखना ही है। तो इसी क्रम में जो भी है कि हम लोग एकेडमिक जुड़े रहते हैं हमेशा नई नई चीज़ों को अपने मरीजों को सुविधा देने में के लिए हम अभी रात में आज भी हम लोग 3-4 घंटा पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात इतना ट्रायड होने के बाद। तो ये जो है ये जो अमेरिकन जो कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन का जो संस्था है 1935 में स्थापित हुआ था अमेरिका में। ये एक पल्मोनोलॉजी और साथ साथ है आपको स्लीप मेडिसिन या क्रिटिकल केयर जो आप कोरोना काल में समझ सकते हैं चेस्ट का कितना वैल्यू रहा है। तो इसमें बेहतर के लिए ये काम करती है और इस उसी कड़ी में हम लोग अपने यहाँ अपने सिवान छपरा गोपालगंज को एक अच्छा कुछ देने के लिए अच्छी चिकित्सा देने के लिए हम लोग ये कोर्स का अप्लाई किए थे जिसको 3 महीने लगा करने में। बहुत सारे डॉक्टर थे लेकिन 2-3 लोग ही इसको क्वालिफाई कर पाए और लास्टली हमारा वहाँ से सम्मान पत्र मिला, बड़ी खुशी हुआ और इससे निश्चित ही हमारी जो स्किल और डेवलप हुई। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र ने कहा कि नियमित रूप से अध्ययन करने के बदौलत ही ये मुझे पुरस्कार मिला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल के स्टडी करने के बाद जब प्रैक्टिस लाइफ में आते हैं प्रोफेशनल हो जाते हैं और अध्ययन से उनका रिश्ता और नाता टूट जाता है। लेकिन बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो लगातार मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद भी नियमित रूप से प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और यही वजह है कि नया नया जो रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, अध्ययन हो रहा है उसके लिए उन्हें यह इनाम मिल रहा है। तो यह
कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है और सौभाग्य की बात है कि सिवान के लाल सिवान का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र जैसा, वो भी सफलता। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है, तो क्या अनुभूति हो रही है बतौर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर? नहीं, सब एक्चुअली ये ऑनलाइन कोर्स है और हम ही नहीं, बहुत सारे चिकित्सक जो भी एकेडमिक जुड़े रहते हैं ये कोर्स करते रहते हैं इस तरह की। हमेशा कुछ साल पहले हम लोग थायराइड के बारे में एक रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से हम लोग किए थे और ये तो अच्छा लगता है, आप लोगों का प्रेम मिलता है, लोगों की सेवा करने में हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल सर। तो ये थे सिवान के जाने माने डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र, जिनसे हमारी मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब को मेडिकल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कई नामी पुरस्कारों से इन्हें सौभाग्य हासिल हुआ है, इन्हें पुरस्कृत होने की खुशनसीबी हासिल हुई है और एक नया नाम जुड़ गया है जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा था अमेरिकन एकेडमी ऑफ चेस्ट फिजिशियन का, इसमें उन्होंने सफलता अर्जित की है और डॉक्टर साहब को सम्मानित किया गया है। हमारे प्राइम न्यूज इंडिया के माध्यम से आप जुड़े रहें, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमारे प्राइम न्यूज इंडिया के माध्यम से अपनी समस्या रख सकते हैं। डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र जी, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए और इस सफलता के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू।